Hi guys, this is Prasanta Mehtani again. I'm here to start my day with y'all and build up a rapport and connect with all of y'all. Today I begin my new course, my thoughts, my thoughts and my vision to learn English with expressions that storm my heart all the day in profusion. So why let them fade away as illusions? Main apna din aapke saath share karna chahti hoon jo mere paas स्टॉर्म करती हैं, जो मेरे अंदर आती हैं, समा जाती हैं, इंग्लिश में दिल में जो ख्याल उभरते हैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत मात्रा में आते हैं. सो व्हाई लेट देम फेड अवे, उनको क्यों जाने दूँ इस इल्यूजन्स. इल्यूजन मतलब अपने अपने दिल के जो उभरते हुए ख्याल हैं वो, उनको इल्यूजन्स, इल्यूजन मतलब जो नहीं होता. रादर शेयर देम विथ यू ऑल एंड मेक ईच एंड एवरी वन ऑफ माई विथ्स इन्फ्यूजन. तो आप सबको मेरे दिल का हिस्सा, मेरे दिमाग में जो ख्यालात चल रहे हैं उन सब के इन्फ्यूजन्स जो आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड हियर वी गो, मेरा पहला कोट फॉर द डे है, ह्यूमर इज द सोल ऑफ लाइफ, सो जेनरेटिंग ह्यूमर शुड बी आर अनस्टेटेड गोल, येट वी इनेटली एक्ट कोल्ड, एंगेज इन ऑब्लिक्वी और डिग समवन्स सोल फॉर लूप होल्स. Hey, let's accentuate our acts by accepting fallacious and real people and even the society as a whole, rather than squandering our time in digging their hearts with innumerably scarring holes. तो यह बड़ा ही खूबसूरत कोट है जो मेरे दिमाग में आया, ख्याल है. ह्यूमर इज द सोल, ह्यूमर, हंसी मजाक, लाफ्टर, खिलखिलाहट, ये हमारी जिंदगी की आत्मा है. सो जेनरेटिंग लाफ्टर, हमारे अंदर का हास्यपन जागे, यही हमारा अनस्टेटेड, मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं, यही हमारा गोल होना चाहिए. येट वी इनेनली, इनेनली मतलब फूलिशली, फालतूली, एक्ट कोल्ड, एक्ट कोल्ड मतलब रूड या इनडिफरेंट, किसी को भाव न देना, अपने ही मन मस्ती में रहना. इंगेज इन ऑब्लिक्वी, तो ऑब्लिक्वी क्या होता है, जब हम दूसरों को का हंसी मजाक करते हैं, उनको पब्लिकली सबके सामने उनको गलत बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं और उनका नाम खराब करते हैं. और डिग समवन सोल्स फॉर लूप होल्स, लोगों के गड़े हुए राज जानने की कोशिश करते हैं, उनको बार बार खुरेदते हैं, तो वो सब काम करते हैं. हियर लेट्स एक्सेंचुएट आर एक्ट्स, हमें अपने एक्ट्स को एक्सेंचुएट करना मतलब सुधारना चाहिए, बाय एक्सेप्टिंग फेलेशियस एंड रियल पीपल, लोगों में फेलेशियस मतलब फॉल्ट्स होते हैं, अवगुण होते हैं और वो रियल हैं, तो ये सब हर किसी में होते हैं. एंड इवन द सोसाइटी एज अ होल, कोई भी सोसाइटी, चाहे वेस्टर्न सोसाइटी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे ट्रेडिशनल होती है, उसमें अपने अपने गुण दुर्गुण दोनों होते हैं. रादर देन स्क्वांडरिंग आर टाइम, तो हम अपना वक्त बर्बाद न करें, लोगों के सीने खुरेद खुरेद के उनमें से उनको घायल करना, स्कारिंग विथ इन्यूमरेबली स्कारिंग होल, स्कारिंग मतलब जख्मों को कुरेदना, उसको कुरेदना और उनको, उन जख्मों को मरहम न लगाना, उनको और भी स्कार करना, मतलब वो धब्बे की तरह रह जाएं. और अभी आई होप यू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज, और मेरा नेक्स्ट कोट है, माई ओवर्ट सीक्रेट, बाई ओवर्ट आई मीन ओपन, ब्लेटेंट, ये खुली बात है. इंग्लिश हैपन टू मी only when I stopped feeling fastidiously right, I even gave up being immaculately correct. All I did was speaking in my esoteric English, that too with pride and delight, even if it meant blabbering alone or listening to myself day and night, earnestly trying my best to be explicitly direct, implicitly trying to connect, to only connect, and zealously only to express. That's how fortuitously my English came in, making me feel totally blessed. तो इंग्लिश मेरे साथ हो गई, ओनली व्हेन आई स्टॉप्ड बीइंग फेस्टिडियसली राइट, जब मैं अपने ऊपर बिल्कुल लगाम देके, मुझे इंग्लिश में परफेक्ट होना है, राइट होना है, वो करना मैंने छोड़ दिया. आई इवन गेव अप बीइंग इमेक्युलेटली करेक्ट, कि मैं तभी इंग्लिश बात करूँगी जब मुझे परफेक्ट आएगी. इमेक्युलेटली मीन्स एक मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकल नहीं हो, कुछ भी नहीं, इमेक्युलेटी में बिल्कुल एप्ट होना, बिल्कुल परफेक्ट, बिना कोई गलती. All I did was speaking in my esoteric English. Esoteric मतलब rare, जो मुझे कम लोगों को समझ में आती है, सिर्फ मुझे ही समझ में आती थी. That too with pride, गर्व और खुशी के साथ मैं बात करने लगी. Even if it meant कोई सुनने वाला हो नहीं हो, blabbering alone,
एंड लिसनिंग टू माई सेल्फ, क्योंकि इंग्लिश आवाज़ की भाषा है, लिसनिंग टू माई थाट्स, माई विजन डे एंड नाइट, अर्नेस्टली ट्राइंग माई बेस्ट टू बी एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट, जितना मैं डायरेक्ट हो सकती थी उतना हो गई, इम्प्लिसिटली ट्राइंग माई बेस्ट ओनली टू कनेक्ट, कि समझा सकूँ, दूसरे तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, और जीलियसली ओनली टू एक्सप्रेस, जीलियसली मीन्स एंथुजियास्टिकली, खुशी के साथ, उत्साह के साथ, दैट्स हाउ, फॉर्चुनेटली मतलब सिरेंडिपिटी, लक बाय चांस, मेरी इंग्लिश ने मुझ पर दया कर दी और मुझे ब्लेस कर दिया ताकि इंग्लिश आप तक पहुँचे, शायद इसी के लिए दया हुई. एंड एवरी वन सेज साइलेंस इज गोल्डन, बट अकॉर्डिंग टू मी विच साइलेंस इज गोल्डन, ओनली द सीरीन साइलेंस ऑफ द सोल इज गोल्डन, एज वेल एज साइलेंस दैट ट्रूली प्लेजेस टू एम्बोल्डन इज गोल्डन, और एल्स इट इज ओनली कैकोफोनस साइलेंस और द काम बिफोर द स्टॉर्म्स विच विल इनवेरिएबली एंड इंट्रैक्टिबली हार्म. तो कौन सा साइलेंस, बोलते हैं ना चुप्पी में ही 100 अच्छाइयाँ हैं, ओनली द सीरीन साइलेंस, जब हम मेडिटेट करते हैं और बिल्कुल सीरीन, काम, कंपोज्ड, जब दिमाग सुन हो जाता है तो वो साइलेंस गोल्डन होता है, एज वेल एज साइलेंस दैट ट्रूली प्लेजेस, हमको जो चुप्पी रखकर हम काम करते दिन रात, वो हमें बोल्ड बनाता है, तो वो हमें जो बोल्ड बनाए वो साइलेंस होता है गोल्डन. और एल्स इट्स ओनली द कैकोफोनस साइलेंस. कैकोफोनस क्या होता है, जब तरह तरह के आवाज़ मेरे दिमाग में खुरेदते रहते हैं लेकिन बाहर से मैं शांत हूँ, कोई सुन नहीं रहा, और इट्स द काम बिफोर द स्टॉर्म. ये इंग्लिश में बहुत ही बढ़िया फ्रेज है, काम बिफोर द स्टॉर्म, जैसे एक तूफान के पहले कैसे चुप्पी छा जाती है, वो ऐसा साइलेंस है काम बिफोर द स्टॉर्म, जो इनवेरिएबली हो ना हो ये अटैक करने वाला है, और इंट्रैक्टिबली मीन स्टबर्नली तो ये अटैक करेगा, बाद में जाके ये फटने वाला है बमगोले की तरह. तो यह था मेरा आज का कोर्स. आई रियली होप दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंड, मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड idioms एंड phrases कैन बी वेरी टफ, ट्रस्ट मी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, देर मस्ट बी इश्यूज, आई डोंट डिनाई दैम, बट ट्राई टू बी मोर एक्सेप्टेबल, मोर लविंग एंड मोर केयरिंग. Share your experience with me. I will be highly delighted. Thanks for the appreciation, praises, love, everything that you all freely express. Thank you so much. I'm learning and listening to so many new things. You all are adopting to my English. I love you all for all that you all have given me, all the love. Thank you.